हेलो व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशेज एंड डिशेज, एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर सुपर डिलीशियस रेसिपी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंडियन स्टाइल चीज़ मसाला मैक्रोनी की रेसिपी। और आज मैं आप लोगों से मैक्रोनी बनाने की बहुत ईजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और काफ़ी वेजिटेबल्स भी यूज़ करने वाली हूँ, तो ओवरऑल काफ़ी हेल्दी रेसिपी होने वाली है आज की। ये एक परफेक्ट स्नैक रेसिपी है। यूजली बच्चे सब्जियां अवॉइड करते हैं खाना, तो अब आप लोग भी मैक्रोनी में ढेर सारी सब्जियां डालें एंड ट्रस्ट मी गाइस, योर किड्स आर गोना लव इट। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए चीज़ मसाला मैक्रोनी बनाने के लिए। मैंने ली है 300 ग्राम मैक्रोनी, और ग्रेवी बनाने के लिए भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो हम यूज़ करेंगे पास्ता मसाला, ये आपको इजीली ग्रॉसरी स्टोर पर मिल जाएगा। ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, 2 शिमला मिर्च, 2 हरी मिर्चें, 2 टमाटर, अराउंड 10-12 बीन्स यानी कि सेम की फली, 1 गाजर और 1 प्याज। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, लाइक मशरूम्स और मटर वगैरह। कुछ सॉसेस भी लेनी है हमें। मैं यूज़ करूँगी रेड चिली सॉस और टोमेटो सॉस, और हमें लेना है ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट लेंगे और 6-7 कलियाँ लेंगे लहसुन की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करने के बाद हम इनको कट कर लेंगे। मैंने बीन्स, हरी मिर्च और प्याज को बहुत बारीक कट कर लिया है, और जो 2 टमाटर लिए थे उनका मैंने पेस्ट बना लिया है मिक्सर में ग्राइंड करके, और शिमला मिर्च और गाजर को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। सब चीज़ें हमने रेडी करके रख ली हैं, तो चलिए अब हम मैक्रोनी को बॉईल कर लेंगे। एक यूटेंसिल लेंगे और उसमें हम 1 लीटर पानी गर्म करेंगे। इट डिपेंड्स, आप कितनी मैक्रोनी ले रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको पानी भी लेना है। मैं 300 ग्राम मैक्रोनी बॉईल करूंगी, तो उसके हिसाब से मैं 1 लीटर पानी बॉईल कर रही हूं। और जब पानी बॉईल हो जाएगा तो 2 मिनट के बाद हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। सॉल्ट इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि जब मैक्रोनी बॉईल हो जाएगी तो इसमें हल्का सा टेस्ट आ जाएगा, बिल्कुल फीकी नहीं होगी ये। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे मैक्रोनी। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल, जो भी आप प्रेफर करते हो वो। ऑयल इसलिए हम ऐड करते हैं मैक्रोनी बॉईल करते टाइम, ताकि मैक्रोनी आपस में चिपके नहीं। अब हम इसकी लिड को हाफ कवर करके अराउंड 15 मिनट तक हाई फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। बीच बीच में मैक्रोनी को आप चलाते रहिएगा ताकि ये चिपके नहीं। जैसे जैसे मैक्रोनी बॉईल होती जाएगी, साइज़ में भी ये बड़ी होती जाएगी, तो आपको एक खुले खुले बड़े से वेसल में ही मैक्रोनी को बॉईल करना है। 15 मिनट हो गए हैं, लेट्स चेक इट आफ्टर 15 मिनट्स कि मैक्रोनी अच्छे से बॉईल हुई है या नहीं। तो मैक्रोनी हमारी बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है, इतना ही हम इसको बॉईल करेंगे। अब मैक्रोनी को हम एक अलग वेसल में स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे, और जो ये पानी है इसको हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में हम गरम करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और चॉप्ड गार्लिक, और कुछ सेकंड्स के लिए इनको हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे चॉप्ड अनियन,
chopped beans, chopped green chilies और chopped गाजर। दो तीन मिनट तक वेजिटेबल्स, प्याज और ग्रीन चिलीज को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। हमें वेजिटेबल्स को यहाँ पर कम्प्लीटली पकाना नहीं है, थोड़ी सी क्रंचीनेस रहनी चाहिए सब्ज़ियों में। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप्ड शिमला मिर्च भी। अब ऐड करेंगे हम इसमें टोमेटो पेस्ट। अगर आप टोमेटो पेस्ट नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपली टमाटर को फाइनली चॉप्ड कर लिएगा और इसमें ऐड कर दिएगा, लेकिन टमाटर आपको ज़रूर ऐड करने हैं क्योंकि इससे हमारी मैक्रोनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और कलर भी इसका बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और 1-2 मिनट के लिए लिड क्लोज करके इनको मीडियम फ्लेम पर हम पकने देंगे। अराउंड 2 मिनट बाद हम इसकी लिड हटा देंगे और ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा तीखी नहीं होती और इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है। फाइनली अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल्ड मैक्रोनी। वेजिटेबल्स, प्याज और ग्रीन चिलीज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैक्रोनी के साथ। और टेस्ट इन्हेंस करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स। और 1 टेबल स्पून ओरिगैनो। अगर आप ओरिगैनो यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसमें मिक्स्ड हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं। देन हम इसमें ऐड कर देंगे चीज़। मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रिटानिया चीज़ स्लाइस। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और 1 मिनट के लिए हम लिड को क्लोज करके चीज़ को मेल्ट होने देंगे। चीज़ हमारी मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अराउंड 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस और अराउंड 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस। पास्ता बना रहे हैं तो पास्ता मसाला तो ऐड करना मस्ट है। पास्ता मसाला ऐड करने के बाद हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और मैक्रोनी को कर लेंगे प्लेट आउट। हमारा बहुत ही डिलीशियस फिंगर लिकिंग और कलरफुल इंडियन स्टाइल चीज़ी मसाला मैक्रोनी बनकर रेडी है। प्लस ये बहुत हेल्दी भी है क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करी हैं। मैंने ऑलरेडी कुक करते टाइम इसमें सॉसेस ऐड कर दी थी, लेकिन मैं टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए इसको गार्निश कर रही हूँ मेयोनीज और टोमेटो सॉस से। व्यूअर्स, आप भी ये हेल्दी और सुपर डिलीशियस वेजिटेबल मैक्रोनी की रेसिपी को ट्राई करें और इन्जॉय करें विद योर लव्ड वंस। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको आज की मेरी ये रेसिपी। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। सो कीप वॉचिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग माई रेसिपीज़ एंड आई विल बी बैक विद अनदर डिलीशियस रेसिपी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लाइक्स दें, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और फर्दर अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें।